नगर गौरव दिवस के अवसर पर रीवा के जो है लक्ष्मण बाग में, लक्ष्मण बाग के जनाना बाग के पीछे पितृ वन जो है बनावा जा लगे, जहां रीवा के प्रथम नागरिक अजय मिश्रा बाबू भैया पहुँचे हैं, उनके द्वारा वृक्षारोपण किन गया है, एक जनता का जागरूक करे के संदेश दे के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि गौरव दिवस के रूप में जो नगर गौरव दिवस के रूप में या वक्त का बनावा जा रहा है, सबसे बड़ा यह कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल नया है, कहे कि पितृपक्ष के दौर चल रहा है, ओ माँ हर व्यक्ति जो है जो हिंदू धर्म का माना थे वो पितरन का जो है एक सम्मान दे चाहते थे, तो यह एक नया कॉन्सेप्ट है। तो यह पितृपक्ष के मतलब ये कहा जाए दौर चल रहा है और पितृ वन बनावा जा लग है, क्षेत्र अपना के प्रथम नागरिक अपना, तो अपना खुद एक सहजन के पेड़ लगाए हैं, बादाम छबकर बादाम के पेड़ लगाए हैं, तो यह कैसा कॉन्सेप्ट का आया है, एक कैसा अपना बच्चे आगे डेवलप करे के विचार है? यह नगर गौरव दिवस नगर निगम बना रही है, पूरा जिला प्रशासन बना रहा है, और रीवा के महापौर हो के नाते चूँकि हमारे माता जी पिताजी दोनों जन के स्वर्गवास हो चुका है, और ये एक पितृ वन बना रहे हैं, इससे एक हमार आस्था जुड़ी रही जी। जब कबो कौनो ऐसे आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहा कि को एक पेड़ काटी या पेड़ सुखाई, तो हम ऐसे खड़े रहा कि हमने माता जी के नाम से लगाए हैं, तो यस यहाँ पर जितने या वन लगाए गई हैं तो सारे लोग अपने पितर खातिन ये वन लगा रहे हैं, और यह एक जन जागरूकता के काम आए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर वन न लगी हैं और पेड़ लगातार कट रहे हैं, उतने तादाद में पेड़ नहीं लग रहे हैं, तो जौन आज यह अल्प वर्षा रीवा जिला में भय जौने कारण आज यह खेती से हम लोग प्रभावित भय हैं, वह चीज़ हमेशा होत रही, पूरा प्रकृति अनसिस्टमेटिक होगा। पहले यह राहत रहा है कि अब वर्षा ऋतु आएगा तो 15 जून के बाद पानी बरसबे करी, आज सितंबर आएगा पानी के कहूँ पता नहीं, ठंडी दशहरा से यह हो जाता कि ठंड चालू हो जाती रही, दीपावली बीत जाती लोग शर्ट पैंट में घूमत रहा थे, तो जौन यह प्रकृति के सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है या पर्यावरण के संतुलित ना हो कारण है, ओका संतुलित करे के सिर्फ एक तरीका है हरियाली, हरियाली खातिन जौन यह नगर अपन निगम है रीवा जिला प्रशासन है और नगर उत्सव जौन यह मनावा जा रहा है ओके चलते आज हमहूँ अपने माता पिताजी के याद में एक बादाम के पेड़ लगाए हैं, ओकर 1000 के रसीद काटवाए हैं, हम रीवा शहर के समस्त लोगों से आग्रह करब कि लक्ष्मण पाक संस्थान में यह कार्य चालू है और जे लोग हों सब अपने पितर के नाम से एक एक वृक्ष लगावें और 1000 की रसीद कटावें, वह 1000 से ये बन के सुरक्षा की गई। निश्चित तौर पर अपने शास्त्रों में यह कहा गया है और शास्त्र के अलावा एक जीवन दिनचर्या में है कि एक वृक्ष सौ पुत्र समान, तो मतलब कहो ना कहो वृक्षण के यदि विशेष महत्वता की बात की जाए, चाहे कोरोना काल में ये देखा जाए कि ऑक्सीजन के भारी कमी रही और ये लगा रहा कि यदि वातावरण सही रही संतुलित रही तो ये में बीमारी से बचा जा सकता, तो यह जैसा यह बंत लग जाए यहाँ पेड़ पौधा लग जाए एकर इंतजाम और बेहतर करे खेती कुछ का नगर निगम की ओर से प्रयास रही है या फिर कुछ हो? यह पूरा वन विभाग नगर निगम की तरफ से प्रयासें हो रहा है जी, एकर प्रयास निरंतर रही, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी इस समय सब देख रहे हैं यहाँ पर, वो खुदे पर्यावरण से लेके संबंधित व्यक्ति हैं, तो धीरे धीरे करके यह चीजन में हम लोगों से जौन सहयोग हुई जौन डॉक्टर साहब हरे बोली हैं जौन यहाँ के व्यवस्था है वे जिला प्रशासन कर रहा है ADM साहब लोग, तो जौन जैसे हो अभी तो फेंसिंग वेंसिंग कर रहे हैं, जितनी व्यवस्था हम लोगों से हो उतनी हम लोग करब। चलिए तो कुल मिला के हमारे साथ रहे हैं अजय मिश्रा बाबा जी जे नगर निगम रीवा के महापौर हैं, उनके द्वारा अभी एक बादाम के वृक्ष लगाए कि यह संदेश देगा कि उनके माता पिता के याद में वह वृक्ष के जो है रोपण कीनगा, और उस सबसे अपील कीन गई है कि 1000 रुपया दे के अपने अपने पितरन के नाम पर उनके याद पर बेहतर ऐठे वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण में जो है अपने पितरन का याद करें, तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।